हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मैं आज एक नई होम मेड रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि चेहरे को क्लीन अप कर देगी बहुत अच्छे से तरीके से। और इसको लगाते ही आप कहोगे कि वाओ, कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। आप खुद ट्राई करके देखना, देन उसके बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रेमेडी सूट की है कि नहीं की है और कितना ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा ये जो आजकल सस्ता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबके घर में बहुत अच्छे से आसानी से अवेलेबल है। तो चलिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर कहीं पे भी आपके जो कटे फटे हैं या फिर कहीं पे अगर स्क्रैचेस वगैरह आए हैं या फिर अगर पिंपल फट गया हो या फिर कहीं भी छोटा मोटा निशान हो तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये उससे आपको जलन हो सकती है, वहाँ पे कुछ इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है जो बहुत जलन होती है। तो चलिए क्या करते हैं, अगर आपने थ्रेडिंग्स बनवाए हैं या फिर आईब्रो सेट करवाया है, एक ही बात है, और या फिर आपने फेशियल वगैरह कुछ करवाया है या आपने ब्लीच किया है, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड करें। उससे पहले करना अच्छा होता है, अगर बाद में करेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इसको तब तक अपने फेस पे रगड़ना है जब तक ये इसका पूरा जो क्या बोलते हैं इसका जो गुदा है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने ये लगा लिया है और ये डन हो गया है, और ये जो बचा हुआ है इसको मैं अपने हाथों पे ऐसे स्क्रब कर लूँगी। इसको आपको 5 मिनट या फिर चाहें तो 10 मिनट रख सकते हैं, और चाहें तो 15 मिनट भी रख सकते हैं जब तक वो सूख न जाए। कोशिश करिए कि इसको नेचुरली तरीके से सुखाना है, आपको पंखे के नीचे नहीं जाना है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तभी आपको पंखे के नीचे जाना है, नहीं तो आप इसके थोड़ा सा 10 मिनट होने का वेट कर सकते हैं। तो इसके सूखने का थोड़ा सा वेट करते हैं, और जब तक ये सूखता है तो इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि इसको लगाने के बाद क्या है कि आपके जो चेहरे के जो डार्क सर्कल्स हैं, देख सकते हैं आप मुझ में कितने सारे डार्क सर्कल्स हैं, वो सब धीरे धीरे हटने लग जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है। आप इसमें चाहें तो हल्दी करके अच्छे से उसको लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो अगर स्क्रब करना चाहें तो ये नेचुरल स्क्रब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा थोड़ा दरदरा पीस के
उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप काम कर सकते हैं जो घर में शक्कर होती है वो शक्कर को, शक्कर के दाने को लेकर उसमें थोड़ा सा कर करके ऐसे चेहरे पे रब करना है, देन उसके बाद में उसको वॉश कर लेना है। तो ये हो गया नेचुरली स्क्रब। इसके मतलब अलावा आप चाहें तो इसको अच्छा ऐसे टोनर जो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसको वॉश करके आती हूँ, देन उसके बाद में आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है और देखिए फेस वॉश करने के बाद में कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है और अच्छा सा ग्लो आ गया है। अभी लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करना और बताना कितना अच्छा है। बाय बाय।